गई है कयामत की रात। मैं हूँ नागिन। संभाल के। सब लोग बैठ जाओ। डर बहुत डरावना होता है। जो इंसान मरने से नहीं डरता वो डर डर के मर जाता है। रस्ते के बीच में गाय किसने बांध दी? शिवन्या, इस गाय के पैर में तो चोट लगी। गाड़ी में आइस पैक है, मैं लेकर आता हूं। यही मौका है, मुझे कुछ भी करके ऋतिक को यज्ञ में जाने से रोकना होगा। मैं देख के आती हूँ कि डिक्की में एंटीसेप्टिक है कि नहीं। सॉरी, वो टिक्की में दवाई नहीं है, मुझे दवाई नहीं मिली।
उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। मैंने आइस पैक लगा दिया था, उस गाय को काफी राहत मिल गई। थैंक गॉड वो गाय हमारे गाड़ी के सामने आई और मैंने उसे सही टाइम पर फर्स्ट एड दिया। चले ये क्या, ये गाड़ी का टायर पंक्चर है। ओम नमस्ते चंडी के चंडी चंड मुंड विनाशिनी, ओम नमस्ते काली के काल भय विनाशिनी, शुंभ शुंभ गर्जिनी प्रचंड कंड खंडिनी, विशिष्ट शिष्ट कारिणी विशाल रूप धारिणी, रक्त प्रिय रक्त वर्ण रक्त बीज विनाशिनी, जय जय माँ काली। नागिन तू आ गई इस यज्ञ में बाधा बनकर, तू नहीं आने देना चाहती ना उसे, तो कुछ नहीं कर पाएगी नागिन, सर्वनाश हो जाएगा, मैं तुझे भस्म कर दूंगी। काली आएगी, काली आएगी, जय माँ का, जय माँ। इनको बश में करो, ये बस कर दो उसे, रोको उसे, जाओ जाओ। ऐं क्रीम नमः काली के स्वाहा, ऐं नमः क्रीम काली के स्वाहा, ऐं नमः क्रीम काली के स्वाहा। ये तो चमत्कार हो गया, अब तक तो मौत हमारे सर पर मंडरा रही थी, ये कैसे हो गया अंकित जी? लगता है ये काली माँ की शक्ति है, गुरु माँ की शक्ति है, गुरु माँ ने हमें बचा लिया, जय माँ काली। मेरी शक्ति क्यों काम नहीं कर रही, वो भी ऐसे अचानक, आज इन सबको मार ही डालती है, ये किसने बचा लिया इन्हें? कुदरत का ये भयानक कहर किस कुदरत ने रोका है? इतना भयंकर तूफान कौन उड़ा कर ले गया? ये कैसे हो गया? ये बास की भयानक आवाज, ये क्या हो रहा है? मुझे मेरी शक्ति जा रही है, मैं अपने नागिन रूप में नहीं आ पा रही, ये किसकी शक्ति है जो मुझे अपने वश में कर रही है, मुझे बेबस कर रही है? शायद ये उसकी शक्ति है, माँ काली की शक्ति है।
शेरशाह, ये तुम्हें क्या हो गया शेरशाह? लौट आओ, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ शेरशाह। शिवन्या, तो जाओ यहाँ से, अपने प्राण बचाओ। नहीं, शिवन्या और शेषा खतरे में है। आज हर नागिन की और नाग की जान खतरे में है। आज सभी नाग वहां गए हैं जहां काली है। काली ने उन्हें बुलाया है, काल आया है। हे भगवान शिव, आज काली की रात है, तेरे नागों पर घात है। उस आदि शक्ति को केवल तुम वश में कर सकते हो। शिवन्या और शेषा की लड़ाई तो इंसाफ की लड़ाई है। उन्होंने कोई पाप नहीं किया, उनकी इंसाफ की लड़ाई है। फिर क्यों उनकी जान पर बनाई है? माँ, माँ आपको कोटि कोटि प्रणाम। रुक जाइए माँ, रुक जाइए। मत कीजिए अपने भक्तों पे वार, रोक दीजिए ये विनाश। मैं आपसे विनती करती हूँ माँ, रुक जाइए। काली की शक्ति से आज आपको उनकी रक्षा करनी है। आप ही करेंगे, आप खुद करनी पड़ेगी। जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। बाबा को अकाल मृत्यु दे दी उन लोगों ने, आपके मंदिर में, आपके आंखों के सामने। आपके होते हुए भोलेनाथ मैं अनाथ हो गई, पर आपने मुझे शरण दी, मेरे सहारा बने। एक आप ही तो है मेरे, त्वमेव माता च सखा त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। और आज, आज भी सिर्फ आप ही रोक सकते हैं अपनी अर्धांगिनी को, अपनी शक्ति को, अपनी काली के काल को। हे प्रभु, मुझे क्षमा करना।
माँ आज आपकी रात है, आज आपके भक्तों को घात है, हमें बचा लीजिए माँ। इच्छाधारी नागिन, तू मेरे भक्तों को मारने आई है और मैं तुझे बचा लूं? नहीं माँ, नहीं, मैं आपके भक्तों को मारने नहीं आई हूँ, मैं तो केवल अपने माँ बाबा के हथियारों को मारने आई हूँ, इंसाफ के लिए आई हूँ। क्या हुआ था तेरे माँ बाबा के साथ? हमारे इष्ट, हमारे देव आपके शिवजी के मंदिर की रखवाली करते थे। मेरे माँ बाबा दिन रात शिवलिंग के सामने बैठे रहते थे। उसी मंदिर के पास वाली हवेली में रहने वाले लोगों की बुरी नजर उस मंदिर के नागमणि पर पड़ गई। उन लोगों ने शिवजी के सामने उसी मंदिर में उनके सबसे बड़े भक्तों की हत्या कर दी उस नागमणि के लिए। कभी नहीं भूलूंगी मैं महाशिवरात्रि की वो रात। आप शिव जी की शक्ति हैं, महाशक्ति हैं, और हम उनके भक्त हैं। वो शिव मंदिर हमारा निवास स्थान है। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ, मैं आपसे नहीं लड़ सकती। जानती हूँ कि आप अपनी शिव जी से कितना प्यार करती हैं, इसलिए इतने विकराल रूप में भी जब वो आपके पैरों के नीचे आ गए तो आपको प्रायश्चित हो गया, आपका क्रोध शांत हो गया। ये आपका प्यार ही तो है कि आप अपने वश में आ गई। मैं भी अपने वश में आ जाऊंगी, पर अपनी माँ बाबा का इंतकाम लेने के बाद, जिनसे मैं इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, जिन्हें उन हथियारों ने मार डाला। सभी भगवानों में आपका ये रूप सबसे निडर है। मैंने भी बिना किसी डर के ये इंसानी रूप लिया है ताकि मैं अपने माँ बाबा के कातिलों को मार सकूं, उनसे इंतकाम ले सकूं। किसी निर्दोष की हत्या कभी नहीं करूंगी मैं, पर जो गुनहगार है उन्हें सजा देना चाहती हूँ। और आज वही गुनहगार आपका यज्ञ हवन करके मेरी मृत्यु का वरदान मांगने आए हैं। आपसे मृत्यु प्राप्त होना, आपके हाथों मरना मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, आपके सामने हूँ, मुझे अभी इसी क्षण मार दीजिए। पर अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो मेरा साथ दीजिए माँ। मेरे सारे नाग नागिनों को जिनको आपने मृत्यु दी है उन्हें जीवन दान दीजिए माँ। हमारे नागों के देवता हैं, हमारे इष्ट हैं हमारे शिव, और आप उनकी शक्ति, वो हमारे पिता हैं, तो आप हमारी माँ। अब आप ही तय कीजिए माँ कि आपको किसका साथ देना है। चढ़ेगा ना घोड़ी तो तुझे भी उतारूंगा। अंकल करो, झूठ क्यों कहा? पता है ना पिछली बार क्या हुआ था? सारे गांव वाले जमा हो गए थे और फिर वो नागिन वाला वो भयानक हादसा। हवेली जाने की बात करते तो घर वाले हमें कभी नहीं जाने देते। हाँ बात तो सही है, झट से मना लिया माँ को। ईवी तो बहुत स्मार्ट है मेरी। माँ आपका चेहरा देखकर इतना तो समझ गई मैं कि कोई ना कोई राज जरूर है उस हवेली में, वरना हवेली का नाम सुनते ही आपके चेहरे का रंग यूं ना उड़ता। मैं जा रही हूँ हवेली, पता लगा ही लूंगी आखिर क्या है उस हवेली में। तेरी शरण में, तेरे
तेरी पूजा करने आई हूँ माँ, तेरी शक्ति और बढ़ा दे माँ, नागिन का विनाश करना है मुझे, मुझे शक्ति दे माँ, शक्ति दे, जय जय माँ काली, ओम नमस्ते चंडिके चंड मुंड विनाशिनी, ओम नमस्ते कालिके काल भय विनाशिनी, निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड कंड खर, विशिष्ट विशिद्ध कारिणी विशाल रूप धारिणी। लगता है भभूत का असर खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया, तुझे अभी इसी पल ढसना होगा। प्रसाद लो। अरे प्रसाद क्यों नहीं लेती? पहले मुझे बलि चढ़ानी। नहीं नहीं, ये बलि चढ़ाने का वक्त नहीं है, सही वक्त का इंतजार करो। बलि चढ़ाने के लिए हर वक्त सही होता है। तेरा वक्त आ गया है गुरुमा, नागिन आ गई है तेरी बलि चढ़ाने। शिवन्या? हाँ? यहीं खड़ी रहोगे, कमरे में नहीं चलोगे? हनीमून पे आई हो ना, तो चलो कमरा उधर है। वेट 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 वेट, तुम्हें काम करो, तुम यहीं रुको, मैं जाके आता हूं। जब तक मैं बुलाऊं नहीं तुम आना मत, ओके? आना मत, ओके? ओहो, लगता है इस कमरे को थोड़ा रोमांटिक बनाना पड़ेगा। अच्छा मौका मिला है, मुझे अभी जाकर देवरी में देखना होगा कि आखिर राज क्या है। श्याम चाचा, आप चाचा मुझे देवरी की चाबी दीजिए ना। नहीं नहीं, बड़ी मालकिन ने चाबी देना मना किया है। माँ ने ही कहा था मुझे, कुछ ले जाने के लिए बोला है देवरी से।
शिवन्या, 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 कब से आवाज दे रहा हूं तुम्हें, कहां खोई हो तुम? चलो ड्रिंक नहीं करती। ओ, हाँ, मैं तो भूल ही गया। कोई बात नहीं, भूल जाओ इसे। एक काम करते हैं, डांस कर लेते हैं। वो तो तुम्हें आता ही है, मना मत करना। वो तुम्हारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य थोड़ा थोड़ा मुझे भी आता है। One second।